नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नवजोत सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट से। आज हम बात करेंगे कि फ्रैक्चर नॉन यूनियंस की। फ्रैक्चर नॉन यूनियंस जो होता है कि किसी भी हड्डी के टूटने के बाद हड्डी का ना जुड़ना, उसे फ्रैक्चर नॉन यूनियन कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये कुछ पेशेंट रिलेटेड कारण होते हैं, कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड कारण होते हैं। पेशेंट रिलेटेड कारण में हम सबसे पहला आता है कि फ्रैक्चर कैसा है, फ्रैक्चर पैटर्न कैसा है। बहुत ज़्यादा कम्बिनेटेड फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का चूरा हो जाता है, या बोन लॉस हो जाता है, या हड्डी के टूटने के साथ साथ वहाँ पे जख्म होता है, तो उसमें जो हड्डी का जुड़ना है वो डिले होता है, या उसके ना जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है कि होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स में पेशेंट कैसा है। यंग पेशेंट्स में हड्डियाँ जुड़ने के चांसेस अच्छे होते हैं, ओल्ड पेशेंट्स में हड्डी जुड़ने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। दूसरा होता है कि पेशेंट को साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ में जैसे कि पेशेंट डायबिटिक है, स्मोकर है, अल्कोहलिक है, हाइपरटेंसिव है, या बहुत ही ज़्यादा मोटापा है पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स में हड्डियों के जुड़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और तीसरा कारण होता है जब ऑपरेशन के बाद पेशेंट का जो इन्फेक्शन, अगर किसी भी पेशेंट में सर्जरी के बाद या वहाँ पे लोकल साइट पे इन्फेक्शन हो जाती है, तो इन्फेक्शन से भी हड्डी के जुड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा होता है आइट्रोजेनिक फैक्टर। डॉक्टर उस पेशेंट को, उस फ्रैक्चर को कैसे मैनेज कर रहा है, वेदर उन्होंने प्रॉपर उसको ऑपरेट किया है, प्रॉपर उसकी फिक्सेशन की है, उसके कारण ये डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो उसके कारण भी हड्डियाँ नहीं जुड़ती हैं। नॉन यूनियन होने के बाद उसके बाद उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसकी जो, इसके लिए बहुत सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमको रूल आउट करना पड़ता है कि उस पेशेंट को वहाँ पे लोकल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो, उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट का फ्रैक्चर जुड़ा, जिसको हम एसेप्टिक नॉन यूनियन बोलते हैं, जिसमें पेशेंट का मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को नॉर्मल मोबिलिटी रहती है, फ्रैक्चर साइट पे फ्रैक्चर हिलता रहता है, पेशेंट को स्लाइट और वेरी वेग पेन होता है, पेशेंट की फंक्शन होती है जो शोल्डर की या आर्म की, लोअर लिम्ब की, लेग की, नी की, वो जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है, पेशेंट इज अनेबल टू लिफ्ट द वेट, ठीक है ना, ऐसे पेशेंट का जो फंक्शन ही हैम्पर हो जाता है, तो उसमें जो मैनेजमेंट में हम लेते हैं, अगर इन्फेक्शन ना हो, एसेप्टिक नॉन यूनियन हो, तो उसमें हम उसको रॉड या प्लेट से ट्रीट किया जाता है, साथ में हमको उसके बोन ग्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। अगर पेशेंट के वहाँ पे फ्रैक्चर साइट पे इन्फेक्शन है या पेशेंट पे बोन लॉस है, तो उसको हम लेजर ऑफ टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं, जिसमें इन्फेक्शन को भी साथ साथ ट्रीट किया जाता है, साथ साथ उसकी जो हड्डी है, जो गैप है, उसको भी बनाया जाता है। इन सब तरीकों से अगर हम प्रॉपरली अप्रोच करें तो नॉन यूनियन फ्रैक्चर की अच्छे ट्रीटमेंट होती है और पेशेंट नियर नॉर्मल लिम्ब का फंक्शन हो जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक पेशेंट की, जो 37 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट आई थी हमारे पास दिसंबर में, जो चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती थी। नमस्ते, मैं हूं ली चंबा से। मेरा एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर 11 तारीख को, जो कि हमने ऑपरेशन कराया था जसूर में। एक महीने बाद मेरी प्लेट जो है वो टूट गई थी, उसके बाद मेरी बाजू काम नहीं कर रही थी। फिर हमने अमनदीप हॉस्पिटल का सुना और इधर आए, हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि वहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ आप। फिर हमारा यहाँ पर ऑपरेशन हुआ दिसंबर 27 तारीख को। ये पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर में और इसके काफ़ी चोटें आई थी, और तो इन्होंने वहाँ पे लोकल ही जसूर में किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन करवाने के तकरीबन एक या एक डेढ़ महीने बाद ही इस पेशेंट को उस बाजू में, ऑपरेशन वाली बाजू में, काफ़ी पेन दर्द महसूस होने लग गया था। तो जब डॉक्टर ने एक्सरे किया तो वहाँ पे उनको देखा गया कि उसकी हड्डी है जो, वो एक तो अलाइनमेंट उसकी बिगड़ गई थी, दूसरा हड्डी जुड़ी नहीं थी, तीसरी उसके साथ साथ जो है उनकी जो प्लेट लगाई गई थी वो प्लेट भी टूट गई थी। तो दिसंबर में जब ये हमारे पास आए थे तो ये ऑलरेडी 2 मंथ पहले ऑपरेशन हुआ था। तो प्लेट टूटने के कारण हमने इनको समझाया कि इसको दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जिस ऑपरेशन में हमने इस प्लेट को निकालने के बाद इसकी जगह पे एक और प्लेट लगाई है, उससे लंबी प्लेट लगाई है, उसको प्रॉपरली लगाने के बाद साथ में इसको बोन ग्राफ्टिंग की है, आज ऑपरेशन के 6 महीने बाद पेशेंट की बाजू बिल्कुल जुड़ चुकी है एंड पेशेंट का जो फंक्शन है शोल्डर का, वो 100% फंक्शन आ चुका है।
और अब मेरी बाजू ठीक है, काम कर रही है मेरी बाजू।